मैं बरसों से आ रही हूँ आपके पास। आज मेरी तपस्या का फल दे दीजिए मुझे भगवान। मेरे मेरे बच्चे की खुशियां मेरी झोली में डाल दीजिए भगवान। आज के शुभ दिन पे अपने बेटे के नाम की मन्नत मांगने आई हूँ, आपको पूरी करनी होगी। ऐसे ऐसे खाली हाथ मुझे मत जाने दीजिएगा प्लीज प्लीज। और मेरी मन्नत एक ही है माँ, कार्तिक की खुशी। इसी के लिए मिलना चाहती थी मैं आपसे। क्या क्या हुआ है नारा? बोलो नारा, क्या हुआ है? मुझे यहां पे ऐसे क्यों, क्या हुआ है? मेरे ब्रेन में एक क्लॉट है माँ। खून जम गया है दिमाग, जम गया है दिमाग। कल ही डायग्नोस हुआ है, अभी बहुत बड़ा नहीं है पर है। आगे से लेफ्ट लीजिएगा भैया, कॉलेज रोड की तरफ हॉस्पिटल जल्दी पहुंचेंगे वहां से। जी मैं नायरा। जी बोलिए। वो मैं किससे मिलने आपको? मैम क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हो? जाइए मिस नायरा। नहीं डॉक्टर, मैं नहीं रुक सकती, मेरी शादी है आज, आज 12 बजे मेरी शादी है। कार्तिक, ओह गॉड, वो मेरे को जाने, कार्तिक परेशान हो रहा होगा, मेरा फोन कहाँ है, मुझे जाना है। चली जाएगा मिस नायरा, एक तो अकेले नहीं, दूसरा अपनी मेडिकल कंडीशन जानने के बाद। मेडिकल कंडीशन? मुझे क्या हुआ है? आप अपने फैमिली मेंबर्स को बुला लीजिए, हम उन्हें समझा देंगे। नहीं आप बताइए क्या हुआ, क्या है मुझे बताइए। थ्रोम्बस, आम भाषा में कहे तो क्लॉट। क्लॉट?
ब्रेन। रीजंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी बताना तो बहुत ही मुश्किल है। इट कैन बी एनीथिंग, यू नो, बचपन की किसी प्रॉब्लम से लेकर स्ट्रेस तक, या फिर कभी कभी ओवर स्ट्रेस की वजह से क्लॉट फॉर्म हो जाता है। इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि ये क्यों हुआ, इम्पोर्टेंट ये है कि इसका अभी करना क्या है। क्या करना है? सर्जरी। उसे ठीक हो जाएगा? कोशिश तो वही है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। फिर भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो आपकी लाइफ पे थ्रेट है। सर्जरी हो जाएगी तो ये खतरा भी टल जाएगा, लेकिन लेकिन साइड इफेक्ट्स आपकी मेमोरी के साथ थोड़ा। क्या मेरी याददाश्त चली जाएगी? नहीं नहीं, अब पूरी तरह नहीं, थोड़ी टुकड़ों में। कभी कोई चीज आप बिल्कुल भूल जाएगी, कभी फ्लैशेस की तरह कुछ बातें आपको याद रहेगी, लेकिन ज्यादातर केसेस में मेमोरी लॉस हो ही जाती है, चीजें याद नहीं रहती, यहां तक के करीबी रिश्ता याद नहीं रहता। ऐसे कैसे? मैं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, वो ना किसी और की रिपोर्ट होगी, आपने अपनी गलत रिपोर्ट देख ली होगी। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है डॉक्टर। मेरे साथ पहले हो चुका है एक बार। मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मेरी भाभी से एक्सचेंज हो गई थी, मेरी अपनी भाभी से, और मेरी मम्मा, उनके साथ भी हुआ है ऐसा। देखिए डॉक्टर, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हॉस्पिटल के स्टाफ से गड़बड़ी हो जाती है। मेरे भाई, उनका तो बर्थ सर्टिफिकेट गलत बन गया था किसी और के साथ, उनको तो कोई लेने भी आ गए थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि हॉस्पिटल स्टाफ की गलती है। आप ना एक बार फिर से चेक कीजिए रिपोर्ट्स को भी, और मुझे भी। आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कोई क्लॉट ब्लॉट नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूँ मिस नायरा, पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट के साथ में तब तक शेयर नहीं करते जब तक हम खुद 100% श्योर नहीं होते। आपको बताने से पहले हमने सब वेरीफाई कर लिया है। प्लीज अपनी फैमिली के साथ में डिस्कस करके जल्दी से ये सर्जरी करवा लीजिए, इससे पहले कि किस्मत आपका फैसला करे, आप खुद फैसला ले लीजिए। मेरी शादी है आज, मेरा इंतजार कर रहा होगा, कितना परेशान हो रहा होगा, मैं क्या करूं, कैसे करते? मरूंगी नहीं मां, पर जैसे जीऊंगी वैसे जीना भी तो जीना नहीं होगा। एक पल भी मैं ऐसा जीना नहीं चाहती जिसमें मेरे कार्तिक की याद ना हो। नहीं जीनी मुझे ऐसी लाइफ, इसीलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हमें अलग करने में, एक दूसरे से दूर करने में आपकी मदद चाहिए मुझे। उसे मुझसे अलग कर दीजिए मां, हमेशा हमेशा के लिए। अपने बेटे की खुशी चाहती है ना, मैं भी वही चाहती हूँ। मैं उसके सामने रहूंगी तो वो मुस्कुराएगा, पर दिल से नहीं। और मैं, जब मुझे याद रहेगा कि उसके दुख का कारण मैं हूं, तब मैं भी कुछ नहीं रह पाऊंगी। और जब मुझे नहीं याद रहेगा कि वो कौन है, तो उसकी छूटी मुस्कान का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है मां। हम दोनों के लिए यही अच्छा है मां। इससे पहले मैं उसे भूलूं, वो मुझे भुला दे।
प्लीज मैम, मैं जानती हूँ बहुत प्यार करता है वो मुझसे, अगर मैं मर गई तो जी नहीं पाएगा वो, और अगर मैं भूल गई तो जीना भूल जाएगा वो। कोई दूसरा मेरी ये बात नहीं समझेगा माँ, पर मुझे पता है आप जरूर समझेंगी। कई साल पहले आपने भी तो कार्तिक की खुशी के लिए एक फैसला लिया था ना, जो सबने गलत समझा था, आपको नहीं समझा था, मुझे भी नहीं समझेंगे माँ, उन्हें लगेगा कि मैं गलत कर रही हूँ, पर मैं जानती हूँ माँ मैं गलती नहीं कर रही हूँ। प्यार सेल्फिश नहीं हो सकता माँ, मैं जानबूझ के कार्तिक की लाइफ में दुख नहीं भर सकती माँ, नहीं भर सकती। काश हमारे बीच वो 2 साल पहले वाला गुस्सा पिघला ना होता, काश आज भी वही दूरियां होती हमारे बीच, तो इतना मुश्किल नहीं होता, खास तौर पे कार्तिक के लिए। यही सोचता ना वो कि मैंने उसे धोखा दिया है, सोच लेता, उसकी नफरत और बढ़ जाती मेरे लिए, बढ़ जाती, पर अब फिर से उसके मन में मेरे लिए वो नफरत पैदा करनी होगी माँ, और वो भी इतनी कि इस जन्म में वो मिट ना सके। इसी नफरत में उसके लिए आप कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के उसकी शादी करवा दीजिए। प्लीज माँ, ये एहसान होगा आपका मुझ पे, उसे इतना दूर कर दीजिए मुझसे कि हम चाह के भी पास ना आ पाए, मेरी यादों को निकाल दीजिए उसकी जिंदगी से। आज गणपति विसर्जन है, कहते हैं ना कि गणपति जब आते हैं बहुत सारी खुशियां लेके आते हैं, और जब जाते हैं आपके सारे दुख दर्द लेके चले जाते हैं। मैंने कहा है उनसे माँ कि मेरे कार्तिक के सारे दुख ले ले वो, उसके सारे विघ्न हर ले। आपसे विनती है मेरी माँ, आपको मेरी मदद करनी ही होगी, प्लीज माँ प्लीज। आपका एक बेटा छिन गया है आपसे और मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन दूसरा बेटा उसे नहीं छिनने दूंगी मैं माँ, आपकी खुशियाँ आपकी झोली में ही रहेंगी माँ, मैं उन्हें नहीं छिनने दूंगी। महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर आप अपने बेटे से प्यार करती हैं तो मुझे मना नहीं करेंगी आप, कार्तिक की खुशियां अब और किसी के नहीं, आपके हाथ में है माँ, प्लीज प्लीज जल्दी से जल्दी वो कर दीजिए माँ जो मैं कह रही हूँ, और प्लीज ये दूसरे किसी को पता ना चले। आज तक आप नहीं चाहती थी कि हम साथ हों, पर मैं अलग नहीं हुई, आज मैं खुद चाहती हूँ कि आप हमें अलग कर दें, प्लीज माँ अलग कर दीजिए हमें माँ, ताकि हमारा कार्तिक जी सके। आपको कार्तिक का वास्ता है माँ, कसम है आपको कार्तिक की। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहे Oh,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।